मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस पूरे राज्य में धूमधाम के साथ मनाया गया है। इसके तहत रायसेन जिले में भी मंगलवार 1 नवंबर को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने दीप प्रज्वलित करके किया। स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा है कि उन्नति, तरक्की, प्रगति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार समग्र विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रायसेन जिले का विकास भी मध्य प्रदेश में नंबर एक पर है और इसमें जनता के सहयोग की भी जरूरत है। उन्होंने लोगों को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई दी है। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। जो उन्नति की है वो हम सब के सामने है और उसमें रायसेन जिले का भी योगदान कहीं छिपा नहीं है, ना और ना केवल औद्योगिक दृष्टि से बल्कि जो कृषि प्रधान देश और कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते जो कृषि का जो हमारे जो इकोनॉमी में योगदान है उसमें रायसेन जिले का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मंडीदीप जो कि पूरे प्रदेश का जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्लस्टर है उसमें आता है। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के विकास में मंडीदीप क्योंकि हमारे जिले में ही है कितना बड़ा योगदान है। और इसी तरह से जहाँ तक कृषि की बात है तो हमारा चौथे और कभी पांचवें नंबर पे हम प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा मूंग की फसल और धान की फसल इसमें भी जो उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे कि मध्य प्रदेश के विकास में हमारे जिले का योगदान है। हमारे शरीर में हृदय का क्या स्थान है उसी तरीके से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है हर क्षेत्र में। आज मध्य प्रदेश की विकास दर 19.7 जो देश में नंबर वन है और अनेक ऐसी विशेषताएं हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।